हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम रूट और फंक्शन दोनों का सम एक साथ में करने वाले हैं। तो जिसके अंदर हमको रूट भी दिया हो, फंक्शन भी दिया हो, तो किस तरह से इस प्रकार का सम होता है, क्वेश्चनों का सॉल्व वो हम देखेंगे। उसके लिए हम एग्जांपल 22 यहाँ पर ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल 22 के अंदर दिया क्या है पहले हम देख लेते हैं। देखो, यहाँ दिया हमको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट में एक्स, इस तरह से लिखा है। एक फंक्शन हमको ये दे दिया है। उसके बाद हमको लिमिट दी है, लिमिट एच रेस टू ज़ीरो। आफ्टर देन ए फंक्शन अगेन गिवन, दैट इज एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये हमको फंक्शन दिया हुआ है। अब करना क्या है इसका, तो अपॉन में एच है हमारे पास में यहाँ पर, उसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो, हमको पता है कि इसका हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू को डाउन करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो फंक्शन क्या है, पहले हम वो लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है रूट में एक्स, यानी कि हमारे पास जो भी है यहाँ पर एक्स की जगह पर, उस पूरे को रूट में रखना है। तो एक्स यहाँ पर हम देखते हैं हमारा फंक्शन के अंदर कितना दिया, लिमिट के अंदर एक्स प्लस एच दिया है, तो हम एक्स प्लस एच का ही क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। और यहाँ हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, तो वो उसका रूट एक्स हो ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लिमिट एच रेज टू ज़ीरो, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये बिकॉज फंक्शन को इसमें कन्वर्ट करने के लिए बोला है, और एफ ऑफ एक्स की जगह हमको दिया हुआ है फंक्शन रूट एक्स लिखना है अपॉन में एच। देखो, इस तरह का सवाल हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर कोई भी संख्या अगर इस तरह से रूट में हो, तो हम अपोजिट यहाँ पर साइन के साथ में अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उन दोनों को मल्टीप्लाई में करते हैं। सेम यही रहेगा, लेकिन साइन है जो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। साइन चेंज करना नहीं बोलना हमको, बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये हो जाएगा। अब करेंगे लिमिट एज रेस टू ज़ीरो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाएगा वहाँ से। सो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स प्लस एच माइनस एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होगा रूट रूट में, तो एक्स बचेगा, नीचे एक्स है, फिर क्या है हमारे पास, एक्स प्लस एच प्लस रूट में एक्स है। अब देखो, एक्स से एक्स इस साइड कट हो जाएगा, बिकॉज एक्स में से एक्स गया तो ज़ीरो बचता है। आफ्टर देन लिमिट एच रेस टू ज़ीरो, ऊपर कुछ नहीं है, एच है, एक्स प्लस एच प्लस रूट में एक्स, तो एच से एच वापस कट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, वन। अब नीचे कुछ नहीं है, तो हम वैल्यू पुट डाउन करेंगे एच की जगह पर ज़ीरो, तो हमारे पास क्या आएगा, वन। एक्स प्लस ज़ीरो इट मीन्स रूट में एक्स प्लस रूट में एक्स। अगर रूट में एक्स और रूट में एक्स टू टाइम है, तो हम क्या करेंगे, टू रूट में एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वन अपॉन टू रूट में एक्स। इस तरह का हमको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस किस तरह से करना है, हमको हमारे रूल्स को ध्यान रखना है, हमारे रूल्स पे अडिग रहना कि ये हमारे रूल्स है तो रूल्स पे ही चलना है, वहाँ हमारी कोई चेंजेस होने चाहिए नहीं। जो क्वेश्चंस दिया है उसको उस तरह से ही लिखते जाना है, बट रूल्स फॉलो करते हुए, फॉर्मूला फॉलो करते हुए हमको चलना है। अब हम चलेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, जो शॉर्ट, बहुत ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जो हमारे वन मार्क्स में पूछेंगे इस क्वेश्चन को, ज़्यादातर वन या टू मार्क्स में, क्योंकि इनके अंदर क्वेश्चंस दिखने में इतना छोटा ही है तो करने में भी उतना ही छोटा है। कभी कभी इनको सेक्शन सी में भी पूछ लेते हैं, बी में भी पूछ लेते हैं, ऐसा हो सकता है। तो एग्जांपल 25 उसके लिए है, और ये सारे जो सम्स हैं वो हमारे किस फॉर्मूले पर होने जा रहे हैं, तो हमने उसके लिए एक फॉर्मूला लिखा था, याद हो तो, इम्पोर्टेंट के अंदर एक्स रेस टू ए, यहाँ पर जो उसके सामने कोई संख्या, एक्स एन ए एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन, एन इंटू ए की घात एन माइनस वन, ए रेज टू एन माइनस वन, इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला है, इसको हमको फॉलो करना है अब के आने वाले जितने भी सवाल हैं उन सब के अंदर। तो एग्जांपल 25 भी उनमें से ही एक है, तो हम उसको देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स रेस टू टू एक्स फाइव माइनस 32 एक्स माइनस टू। सो देखो, ये और ये यहाँ पर है, ये मैच कर लो, यहाँ जो साइन है उसकी वजह अपोजिट साइन यहाँ मिलेगी हमको, माइनस ही मिलेगा, ध्यान रखना हमेशा।
नहीं माइनस माइनस नहीं हुआ तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के अंदर क्या माइनस है, इट मीन्स वी शुड हैव माइनस देयर, तो माइनस होगा तो ही। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले हम देख लेते हैं कि दोनों साइड घात समान नहीं है, तो पहले घात समान करेंगे एक स्टेप में। एक्स की घात तो 5, अब ऐसी कौन सी संख्या जिसकी घात 5 बार करें तो 32 आता है, तो सिंपल नीचे लिखा ही है 2, तो वो 2 की होगी। 2 को ट्राई करो 5 बार करने पर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, देखो 5 बार में 2 4 8 8 16 32 1 2 3 4 5 में, तो एक्स माइनस 2। अब ये हमारे पास में तो इक्वल का साइन लगाओ सीधा, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, एन एन के ऊपर की पावर, और उसके बाद में क्या ए ए यानी कि हमारे पास में क्या यहाँ पे जो लिखा होता है वो ए होता है, ये क्या होता है हमारे पास ए, लिखो दी एक्स के सामने क्या लिखा होता है ए, तो हमने ए लिखा है यहाँ पर 2, उसकी पावर कितनी 5 माइनस 1 एन माइनस 1, तो एन यानी 5 माइनस 1, 5 रेस टू 2, 5 में से 1 गया तो 4, 5 इंटू 2 को 4 टाइम करेंगे तो कितना आएगा 16, एंड 16 5 से कितना होगा 18, 80। तो इस तरह से हमारा इसका सॉल्यूशन।